अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आया हूँ। अमूमन काफ़ी लोगों ने इस तरह की रेसिपी बनाई हुई है, लेकिन आपको ये मैं बहुत इजी तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल ना आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। इसमें सिंपल हमने हाफ़ के जी चिकन लिया है, ये 200 ग्राम टमाटर हैं जिसकी हमने स्किन उतार दी है, ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं 6 अदद 6 पीस ओनली, और ये हमारे पास 1 टीस्पून सॉल्ट है। ये हमारी चरसी कढ़ाई के नाम से रेसिपी है जो कि बड़ी मशहूर और फेमस हो चुकी है इस टाइम। ये हम आज आपको चरसी कढ़ाई की रेसिपी देने लगे हैं। इसमें सिर्फ ओनली ये 4 चीज़ें डलती हैं और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डलेगा, और हम देसी घी में बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए हम शुरू करने लगे हैं। हमने देसी घी लिया है तकरीबन कोई 150 ग्राम ml। इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखा हुआ है, इसके बाद हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट अपने इसमें ऐड करना है। हमने पहले जो है चिकन को फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर। हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है, तो हल्का सा कलर आएगा लाइट सा। फिर हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। अभी ये हमारी चरसी कढ़ाई जो है वो तैयार हो रही है। तो ये देखें, इसको हल्का सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और ये हरी मिर्ची हमने डाल दी। अब इसको हमने थोड़ा भूनना है। साल्ट भी ऐड हो गया। अब ये इसी तरह कंटिन्यू इसकी हमने बनाई करनी है। 2-3 मिनट इसको भून के हमने इसको दम लगा देना है। इसको दम लगाने के बाद हल्का सा इसको चेक करना है, जो टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ तो फिर इसकी दोबारा बनाई होती है। तो इसको हल्का सा हम हिला देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं और फिर इसको दम लगा देते हैं। इस आँच से इसको 12 से 15 मिनट हम इसको दम लगाएंगे। 15 मिनट दम देने के बाद हम इसकी अब बुनाई करेंगे। ये पानी सारा ड्राई करना है इसका। थोड़ी तेज़ आंच पे अब इसकी बुनाई हो रही है। हमारी चरसी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर ऑप्शन है कि अगर आप मज़ीद ब्लैक पेपर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हसबे ज़रूरत डाल सकते हैं। तो और गार्निश के लिए जिंजर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हम इसको सर्व करने के लिए निकालेंगे। हमारी चरसी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। इसमें और कोई चीज़ एक्स्ट्रा हमने ऐड नहीं की। जो चीज़ें आपको बतानी हैं सिंपल वही चीज़ें हैं। और इसका टेस्ट आप चेक करेंगे, बहुत ही मज़े का टेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। मेरी चरसी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि लोगों तक हमारी रेसिपी पहुंच सके और लोग भी नई नई रेसिपियों से मुतासिर हो सकें। तो उम्मीद करता हूं आप बनाएंगे और मुझे बताएंगे। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।